तो फाइनली प्रियंका चहर चौधरी का गाना बारिश आ गई है, देखिए रिलीज हुआ है। वैसे रिलीज तो कल हो गया था, लेकिन आज हम आ गए हैं रिव्यू लेकर अपना इस गाने को लेकर। देखिए इस गाने को लेकर ऑडियंस का क्या रिस्पांस आ रहा है और फिलहाल इस गाने को लेकर हमारा क्या रिस्पांस है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शोभित। शोभित आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ बारिश आ गई है जो ये गाना आया है। देखिए सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में दिखा देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसका रिव्यू शुरू करते हैं। यहाँ से ये गाने की शुरुआत होती है। बेसिकली ये प्रियंका है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है प्रियंका। शोभित क्या कहना है इस गाने को लेकर? सबसे पहले तो ये गाना काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे किसी बॉलीवुड मूवी का ही एक पार्ट हो। सबसे पहले तो जैसे इस गाने की शुरुआत आपने दिखाई एक बड़े से बंगलों के साथ विद अ बिग लॉन, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी मूवी का एक सेट ही है। सेट है बिल्कुल, yes. बड़ी मूवी ही लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी मूवी शूट हो रही हो। और प्रियंका बहुत बड़ी मूवी की हीरोइन लग रही हैं। मतलब मैंने पहले भी कंपेयर किया था कि मुझे तो ऐसा लगा गाने को देखकर जैसे हम टिप टिप बरसा पानी में रवीना टंडन को देख रहे हैं, हम कैटरीना कैफ को देख रहे हैं जब यू नो साड़ी पहनकर जब उन्होंने बारिश में रेन डांस किया था। बिल्कुल वैसी ही फील आ रही है प्रियंका के इस गाने को देखने के बाद। देखिए जिस हिसाब से उनकी उनका स्टाइल है, जिस हिसाब से वो अपने आप को कैरी कर रही हैं। देखिए स्टार्टिंग जो है वो होती है जब प्रियंका देख रही होती हैं एक प्लेन को जाते हुए। उस टाइम नहीं समझ आता कि प्रियंका प्लेन को क्यों देख रही हैं, बाद में समझ आता है कि पूरा माजरा क्या है शोभित। तो उसके बाद जो है वो फिर देखिए यहाँ से शुरू होता है प्रियंका का गाना। आपको बता दें कि पूरा गाना तो नहीं दिखा पाएंगे हम, ऐसे ही धीरे धीरे करके ही दिखा पाएंगे। शोभित क्या कहना है इस गाने को लेकर और जो स्टेप्स किए हैं प्रियंका ने उनको लेकर आपका क्या कहना है? आई थिंक स्टेप्स और जो उनका डांस है पूरा ओवरऑल इस वीडियो सॉन्ग के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। आप ऐसा नहीं कह सकते जैसे कि पूरे जो वीडियो है उसका जो भी डायरेक्शन है वो इधर उधर मतलब मूवमेंट्स कैप्चर करने पे ही है या फिर यू नो सिनेमेटोग्राफिक वो उसी पे ही है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा फोकस उसके डांस के ऊपर भी रहा है। क्योंकि अगर हमें एक तरीके से काफ़ी क्यूट मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं या फिर शॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं इस गाने में प्रियंका चहर के, तो उस समय हमें उनका डांस भी इक्वली बराबर दिखाई आ रहा है, डांस भी नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ जिस हिसाब से उनके लटके झटके रहे हैं डांस में, एक देखिए अच्छी डांसर तो हैं ही प्रियंका, जिस हिसाब से उन्होंने साड़ी अपनी साड़ी को कैरी भी किया है, यू नो ब्लू कलर की साड़ी से उनकी शुरुआत होती है, उसके बाद आगे आगे आते देखिए कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने डांस किया है। आपको बता दें कि जिनके साथ वो डांस कर रही हैं, हालांकि उनका फेस इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं रखा गया है इसमें, जो गाने पे पूरा का पूरा फोकस सिर्फ प्रियंका पर ही किया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सोलो गाना है, बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई हीरो नहीं है, इसमें कोई मेल वर्जन नहीं है इसका, ये पूरा का पूरा फोकस्ड है प्रियंका के ऊपर। शोभित ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी एक्ट्रेस के ऊपर आपका पूरा गाना फोकस्ड रहे, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और जैसे कि अगर आप एक वीडियो सॉन्ग की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर सिर्फ फोकस उस एक्ट्रेस के ऊपर ही है, एक एक्ट्रेस ही है जो कि मेन फोकस है एक वीडियो सॉन्ग का, तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि आप अपने डांस के एलिगेंस के साथ साथ जब आप ऐसे आइकॉनिक डांस करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि ये कंपेयर होगा और भी फिल्म फ्रेटर्निटी के ऐसे रेन डांस वीडियोस के साथ, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कंपेयर किया उसे टिप टिप बरसा और कैटरीना कैफ के साथ, तो हालांकि इसमें ये भी हो जाता है कि जैसा कि मैं कह रहा था कि डांस मूव्स आपका एलिगेंस ऑल थ्रू आउट द डांस वीडियो आपका बरकरार रहना चाहिए, उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके वो जो एक एक्सप्रेशंस होते हैं ना जो क्यूट एक्सप्रेशंस और जो एलिगेंस है वो भी ऑल थ्रू आउट द वीडियो मेंटेन होने चाहिए, और मतलब
समवेयर अराउंड वो ऐसे मेंटेन होने चाहिए कि आपको मैक्सिमराइज कर दे और आपको उस वीडियो से जो आपका एक कनेक्शन है उसे टूटने ना दे। बिल्कुल कनेक्शन टूटने ना दे ऑडियंस से, और मुझे लगता है वो बिल्कुल बाखूबी निभाया है प्रियंका ने। जिस हिसाब से देखिए ब्लू के बाद उनकी रेड साड़ी आती है और इसमें भी बेसिकली रेड साड़ी में भी बहुत एलिगेंस नज़र आ रहा है प्रियंका का, और ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रियंका को मेहनत करनी पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत फ्लो की तरह, पानी की तरह जैसे बहती है ना, जैसे पानी बहता है, वैसे ही इस गाने में प्रियंका ने पूरा का पूरा गाना एक ही फ्लो में कर डाला है ऐसा लग रहा है। और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है प्रियंका। और देखिए एक एक फ्रेम जो है इस गाने का, वो एक एक फ्रेम बता रहा है कि कितनी ज़्यादा एक एक आर्टिस्ट के लिए ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है कि पूरा का पूरा फोकस उसी के ऊपर है, और फिर उसके बाद इतने फोकस होने के बाद भी कितनी आसानी से उन्होंने उसको निभा लिया है, मतलब कितनी आसानी से। देखिए इस म्यूज़िक वीडियो में और कहीं भी फ्रेम नहीं जाता है, आपको बता दूँ सिर्फ स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ प्रियंका पर ही कैमरा है। आप खुद सोचिए पूरे गाने में सिर्फ आप ही के ऊपर कैमरा है और इस गाने में और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से पता चलता है कि एक तो आपकी कितनी बड़ी पकड़ है, आप कितनी मजबूत हो एज एन आर्टिस्ट, एज ए पर्सनैलिटी, आप कितने ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हो कि सबसे पहले तो एक म्यूज़िक वीडियो ही आपके ऊपर ही सोलो बेस्ड है। इससे पहले प्रियंका का गाना अंकित गुप्ता के साथ ही आया था जब ये बिग बॉस से बाहर निकले, लेकिन अब ये सोलो गाना जो आया है प्रियंका का वो बहुत ही ज़्यादा देखिए अच्छा है। इसके बाद लास्ट में जब इस गाने के लास्ट में देखिए येलो साड़ी में एक तो लास्ट में डोरबेल बजती है और प्रियंका जब डोर खोलती हैं तो फाइनली जो उनके हस्बैंड होते हैं, जो एक पायलट के रूप में दिखाए गए हैं, जो एक पायलट के तौर पर दिखाए गए हैं, वो आ जाते हैं लास्ट में। तो देखिए सिनेमेटोग्राफी वाइज भी एक पूरी अच्छी खासी स्टोरी है कि आप इंतज़ार कर रहे हो किसी का और आप उसके इंतज़ार में, जो लिरिक्स हैं सॉन्ग के वो भी कुछ इसी तरह से है, आप इंतज़ार कर रहे हो किसी का और फिर जब वो फाइनली आ जाता है उसके बाद क्या कुछ रहता है, क्या कुछ चलता है आपके दिमाग में उस टाइम। तो बेसिकली एक तो मौसम ही बारिश का है अभी, तो सीज़न ही बारिश का है और बारिश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गाने आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं मौसम की वजह से। दूसरी चीज़ है कि हम में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि घर पे इंतज़ार करते हैं अपने पार्टनर का उनके काम से आने का, और उस समय हम एक्चुअली कुछ प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, कुछ स्पेशल प्रेपरेशन अपने पार्टनर के लिए, तब हम उनके बारे में ऐसे ही सोचते हैं और ये सोचते हैं कि क्या कुछ कर दें जो उन्हें पसंद आए जब वो घर आए और जो वो काम कर कर आए हैं और उनकी थकान है जो वो दूर हो जाए ये सब देख के और वो खुश हो जाए। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट, मतलब जो इसका कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी, अगर हम बारिश को भी अगर हटा दें तो जो हमें इंतज़ार रहता है हमारे पार्टनर का उस समय, हम डेफिनेटली इसी वाले फेज में होते हैं जो ये गाना है, जिसके ऊपर ये गाना पिक्चराइज है और जो कंसेप्ट है इसका, तो ये हर तरीके से कनेक्ट कर रहा है ऑडियंस के साथ और वेदर के साथ भी। तो आई थिंक कि ये काफी ज्यादा हिट होने वाला है, काफी बड़ा हिट होने वाला है। बिल्कुल काफी बड़ा हिट ऑलरेडी हो चुका है, 2.3 मिलियन व्यूज अभी आ चुके हैं, अभी गाना कल ही रिलीज हुआ है और 2.3 मिलियन व्यूज अब हो चुके हैं इस गाने को। देखिए जी म्यूज़िक कंपनी पर ये गाना रिलीज़ हुआ है यूट्यूब चैनल पर और अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। और मैंने तो ये भी सुना है शोभित कि आप प्रियंका के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मतलब आपको बहुत अच्छी लगती है। यस, मैं काफ़ी ज़्यादा उनके यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ देखे जिनमें उनकी डांस वीडियोज़ भी हैं और ऑब्वियसली बिग बॉस से तो उन्हें फॉलो कर ही गए और उनके टेलीविजन पे जो उन्होंने काम किया है उसके ऊपर भी, तो वो तो एक चीज है। और काफी बार पेयरिंग में उनको काम करते हुए देखा है, पर ये पहला ऐसा वीडियो सॉन्ग है जहाँ पे उनका सोलो फोकस्ड वीडियो सॉन्ग है, तो काफी ज्यादा अच्छा फील होता है जब आप किसी के फैन हो और उसका इतना अच्छा काम देखते हो, तो आपको हमेशा ये रहता है कि अब क्या नया और आने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या इतने बड़े अच्छे वीडियो सॉन्ग के बाद जो कि एक बॉलीवुड नंबर ही लग रहा है, उसके बाद क्या अब प्रियंका चाहर चौधरी को हम बॉलीवुड की किसी मूवीज या किसी बड़े असाइनमेंट्स में देखेंगे क्या? बिल्कुल, जिस हिसाब से
प्रियंका ने इस गाने को कैरी किया है, इस गाने में डांस किया है, उस हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर कोई बॉलीवुड की कुछ मूवी जो है इसके बाद प्रियंका करती हुई नजर आए। आपको बता दूं, ये बहुत चर्चे भी थे जैसे ही बिग बॉस 16 से बाहर आई थी प्रियंका, बहुत चर्चे थे कि अब बॉलीवुड मूवी में नज़र आने वाली है। पहले शाहरुख खान की मूवी दुनकी में चर्चे थे ऐसे कि प्रियंका नज़र आने वाली है, उसके बाद फिर अभी जो रीसेंट के र्यूमर्स थे वो ये कहते थे कि मिमो चक्रवर्ती के साथ एक मूवी ऑफर की गई है प्रियंका को। हालांकि अभी तक इस मूवी के बारे में कोई अपडेट नहीं आया है कि प्रियंका ने इसको एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं किया है या फिर वो क्या कुछ कर रही हैं। इसी बीच खतरों के खिलाड़ी 13 भी ऑफर हुआ था प्रियंका को, जो बाकी उनके जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स थे अर्चना और शिव, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो चले गए। तो वो प्रियंका को भी बेसिकली ऑफर हुआ था लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया करने से। तो देखिए, बहुत कुछ उनके प्रोजेक्ट को लेकर भी बहुत सारे ऐसे चर्चे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। फैंस उन्हें जल्द से जल्द किसी बड़े प्रोजेक्ट में और किसी अच्छे प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं। इसी बीच अंकित गुप्ता और प्रियंका को लेकर भी अब चर्चे थोड़े से तेज हो गए हैं जब ये गाना रिलीज हुआ है। शोभित, क्या कुछ हुआ है? मतलब तो जैसे कि लास्ट आपने वीडियो सॉन्ग की बात करी थी जो कि जिसमें अंकित के साथ ही उनका वीडियो सॉन्ग था जी। और जब इस वीडियो सॉन्ग का ट्रेलर या फिर यू नो टीजर आया था उस टाइम पे अंकित ने अपनी स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट भी किया था, पर जब वीडियो सॉन्ग एक्चुअली रिलीज हुआ उसके बाद से अभी तक अंकित की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आए हैं और हम इंतजार भी कर रहे हैं कि वो कब इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, कैसा लगा उन्हें ये अपनी दोस्त का ये काम जो उन्होंने किया है एक सोलो वीडियो। उन्होंने जब गाना का पोस्टर आया था तब उन्होंने गाने के पोस्टर को शेयर किया था, लेकिन उसके बाद गाने का फिर टीजर भी आया, फिर उसके बाद गाना भी आ गया, लेकिन अंकित ने अभी तक शेयर नहीं किया है इस गाने को। और साथ ही साथ एक और बड़ी ही सरप्राइजिंग बात यह है कि ना तो उन्होंने इस गाने के कमेंट सेक्शन में कुछ लिखा है अभी तक, ना तो इस गाने को उन्होंने अभी तक लाइक किया है, जो कि थोड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि जब प्रियंका ने इस गाने को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कल पोस्ट किया है तब उनके कमेंट सेक्शन में उनके जितने भी फ्रेंड्स थे या जितने भी चाहने वाले हैं सब ने कमेंट्स किए हैं। आप अगर आप उनके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उनके फ्रेंड अभिषेक कुमार हो गए या फिर गुंजन हो गई, देखिए जितने भी प्रियंका के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिसमें अंकित गुप्ता आई थिंक सबसे टॉप पे आते हैं क्योंकि अंकित उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी तक अंकित का मैसेज वहाँ पर मिसिंग है, अंकित का कॉमेंट वहाँ पर मिसिंग है और देखिए शेयर तो उन्होंने नहीं किया है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर दोनों के बीच में क्या हुआ है, मतलब इन एक दो दिनों में ही ऐसा क्या हो गया कि मतलब ना तो अंकित रिएक्ट कर रहे हैं और प्रियंका ने भी अंकित गुप्ता की फ़ोटो पर रिएक्ट नहीं किया है, ना ही फोटो लाइक की है, ना ही कुछ भी कमेंट किया है, जबकि उनकी हर पिक्चर पर प्रियंका हमेशा कमेंट किया करती थी, लेकिन अभी तक तो ऐसा हमें देखने के लिए नहीं मिला। कल ही अंकित गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पर पिक्चर्स डाली हैं लेकिन प्रियंका का कमेंट मिसिंग था वहाँ पर, और प्रियंका की जो ये गाने की रील थी इसमें मिसिंग था अंकित का कमेंट। तो देखिए क्या चल रहा है दोनों के बीच में, इन दो एक दो दिनों के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात है। और प्रियंकित फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, प्रियंकित फैंस को तो हमेशा प्रियंका और अंकित का मूवमेंट देखना होता है शोभित, क्योंकि बिग बॉस 16 में भी इन दोनों को बहुत पसंद किया गया था। बिग बॉस 16 में तो इट वॉज लाइक कि जब अंकित गुप्ता का इविक्शन करवाया गया था, यू नो ज़बरदस्ती, क्योंकि ऑडियंस की वोटिंग से नहीं निकले थे वो, जब उनको इविक्ट किया गया था मेकर्स द्वारा ये बोलते हुए कि उनका शो में सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी प्रियंका के फैंस को, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी प्रियंकित के फैंस को, अंकित के फैंस को, और दोनों की जो मतलब दोनों की जो जोड़ी थी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। अंकित शोभित आप क्या कहेंगे दोनों की जोड़ी को लेकर? आई थिंक एक बार जब बिग बॉस का घर होता है तो हम 24 घंटे ही साथ में होते हैं, उस समय एक दूसरे के साथ उठना बैठना खाना सोना और बातें करना होता है। जब हम घर से बाहर आते हैं तो हम अपनी अपनी लाइफ में इंग्रॉस हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें साथ में ही प्रोजेक्ट्स मिले होते हैं, जैसे कि वीडियो सॉन्ग था प्रियंका और अंकित का, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम दूसरे असाइनमेंट्स में बिजी हो जाते हैं और कैचअप थोड़ा कम हो जाता है, पर इसका मतलब
मुझे नहीं लगता कि ये है कि दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं या कुछ अनबन हो गई है, वो भी एक रीजन हो सकता है, पर अभी तक तो वो सामने नहीं आया है, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। तो मुझे ये लगता है कि शायद ऐसा है कि दोनों अपने अपने ही यू नो करियर के लिए अब काफी ज्यादा बिजी हो गए हैं और काफी सारा असाइनमेंट्स दोनों के पास है और लाइंड अप है जिसमें वो इन्वॉल्व हो गए। होपफुली यही हो, क्योंकि काफी प्रियंकित फैंस के लिए वो बहुत डिसहार्टनिंग न्यूज होगी अगर ऐसा कुछ होगा कि दोनों के बीच में कोई यू नो अनबन आ गई होगी या डिस्टेंस आ गया होगा। तो होप करते हैं कि वो आगे जल्दी हमें साथ में दिखें या दोनों की तरफ से कोई रिएक्शन आए एक दूसरे के असाइनमेंट्स या काम को लेकर। बिल्कुल, अंकित अभी फिलहाल अपने शो में बिजी हैं, वो जुनूनियत के शूट के भी बिजी हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें प्रियंका भी अब अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी होती जा रही हैं। तो होपफुली जैसा कि शोभित ने कहा कि होपफुली दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है और जल्द ही दोनों की चीज़ें फिर से देखने को मिलेंगी। अंकित जल्द से जल्द शेयर करें प्रियंका का गाना होपफुली, और साथ ही साथ हमें देखने को मिले प्रियंकित मूवमेंट्स और कुछ, क्योंकि जब ये साथ आते हैं दोनों तो देखिए आग लग जाती है पूरे सोशल मीडिया पर, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं इनके और बहुत सारे इनके चाहने वाले हैं जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसी के साथ ही आज लेते हैं आप लोगों से हम अलविदा और फिर लौट आएंगे एक नए गाने के रिव्यू के साथ, एक नए रिव्यू के साथ बेसिकली। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रियंका का गाना आपको कैसा लगा है, आपको क्या पसंद आया है गाने में, या फिर क्या कुछ चीज़ें आप कहना चाहेंगे इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।